नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला के समर्थन में सोमवार को की 6 जनसभाएं, विरोधियों पर साधा निशाना, कहा भाजपा की बहार पर बौखला गई है विपक्षी पार्टियां, सीएम ने दिया विकास पर जोर। स्वीप द्वारा आयोजित नौकायान कार्यक्रम में नाव पर सवार होकर जिलाधिकारी सहित आला अधिकारियों तथा विभिन्न संस्थानों ने मतदाताओं को किया जागरूक, अधिकाधिक मतदान के लिए डीएम ने दिलाई शपथ। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारत का भूगोल, व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। प्रोजेक्टरों के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों को मतदान कर्मियों को लोकसभा के उपचुनाव के लिए दिलाई गई जानकारी। द्वितीय चुनावी प्रशिक्षण से मुक्त पीठासीन अधिकारी हस्त पुस्तिका को निर्वाचन कार्यालय के कमरा नंबर 27 में करें जमा। रेलवे के टिकट जांच अभियान में बिना टिकट यात्रा करने वाले 146 यात्रियों से वसूला गया 75,000 रुपए से अधिक का जुर्माना। और जिला क्रिकेट लीग कबीर 11 की आतिफ पर 7 विकेटों से धमाकेदार जीत। अब खबरें विस्तार से। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पे हैं, जहां उपचुनाव को लेकर कई जनसभाओं को वो संबोधित कर रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैतपुर बाजार, डोहरिया बाजार, घसखरा बाजार, सेवई बाजार, रामलीला मैदान के अधियारी बाग और राप्ती नगर में अंबेडकर स्कूल में एक के बाद एक कई जनसभाएँ संबोधित की। जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक बार फिर सरकार की योजनाओं और पीएम मोदी के सपनों को साकार करने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर सपा, बसपा और कांग्रेस पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई और निशाना भी साधा। सीएम योगी ने कहा कि सपा और बसपा ने 15 वर्षों से प्रदेश को लूटा है। सीएम योगी ने दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि बसपा और सपा छछुंदर और सांप की जोड़ी की तरह हैं, जो इन दिनों बौखला गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नौजवानों के हितों के लिए इनके साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। सीएम योगी ने जनता से अपील किया है कि बीजेपी को फिर से जिताकर सांसद भेजने का कार्य करें। जनसभा को संबोधित करते हुए डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि केंद्र और मोदी तो राज्य में योगी की सरकार के राज का चौतरफा विकास हो रहा है। वहीं ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने अपने संबोधन में अल्प समय में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विकास कार्यों की सराहना की। इस मौके पर महापौर सीताराम जायसवाल, प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ल और महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने भी अपने अपने संबोधन किए और केंद्र और प्रदेश के कार्यों की गिनती भी गिनाई। सभा के पूर्व मुख्यमंत्री का स्वागत माल्यार्पण कर किया गया। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ल जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ला जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ला जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ, उपेंद्र शुक्ला जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। महानगर के सभी अध्यक्ष आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी, महापौर श्री सीताराम जी,
आप सभी से सादर निवेदन है कि पूज्य महाराज जी का एक बड़ी माला पहनाकर स्वागत एवं अभिनंदन करें। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ उपेंद्र शुक्ला, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। हमारे गोरखपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री विपिन सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूं विवाह में और पूज्य महाराज जी का स्वागत करते हुए सभा को संबोधित। आज चुनावी सभा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्ष पीठाधीश्वर हिंदू हृदय सम्राट पूज्य महाराज जी काशी कदम आदरणीय उपेंद्र सुखी जी, आदरणीय चिरंजीव चौरसिया जी, राजेश गुप्ता जी, राम भूवाल कुशवाहा जी, सतीशान सिंह जी, रूपेश गुप्ता जी, सूर्य प्रकाश शर्मा जी, और लाखों कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन आदरणीय उपेंद्र शुक्ल जी, जिनको योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बाद इस क्षेत्र से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, सबसे पहले मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और एक बार आपसे भी चाहूंगा कि अपने उस लोकप्रिय प्रत्याशी जो आज 11 तारीख तक एक औपचारिकता है, इंतजार 11 तारीख को है कि उस दिन वोट पड़ेगा और मतगणना होगी, लेकिन गोरखपुर की जनता तो फैसला कर चुकी है कि हमारा जिस तरीके से हम योगी आदित्यनाथ जी को जिताते थे, अगर केंद्रीय नेतृत्व श्री नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने उनको सांसद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर सुशोभित करने का काम किया है, तो गोरखपुर की जनता उनके प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला को सूद ब्याज के 7% बहुमत से जिता करके भेजने का काम करेगी। हैं हाँ सर, गोरखपुर से बोल रहे थे सर, यह सीट पूज्य महाराज जी के मुख्यमंत्री बनने के उपरांत संबोधित करेंगे, लोकसभा सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई। साथियों, बड़े सौभाग्य की बात है हमको गोरखपुर वासियों के लिए कि पूज्य महाराज जी पूरे संसदीय क्षेत्र के हर गांव गली से वाकिफ है, हर कार्यकर्ता से हमेशा रूबरू होते रहे हैं, सबसे चिरपरिचित है। साथियों, अब काल 11 महीने में पूज्य महाराज जी ने गोरखपुर जनपद के लिए दिया है, शायद कभी इतिहास में हुआ भी नहीं था और आगे होगा भी नहीं, जो पूज्य महाराज जी ने 11 महीने में किया है। साथियों, आपके बगल में बताओ, सांसद रहते हुए पूज्य महाराज जी ने फर्टिलाइजर का शिलान्यास करवाया था, हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री जी को बुला करके एम्स का शिलान्यास करवाया था, गोरखपुर से बनारस फोर लेन, गोरखपुर से बलिया, गोरखपुर से सनौली, कालेश्वर से जंगल कौड़िया, सब सांसद रहते हुए पूज्य महाराज जी ने सारे कार्य किए थे। उसके बाद पूज्य महाराज जी जब प्रदेश की बात और संभाले तो साथियों हम लोग गिना नहीं पाएंगे, आधा भी काम नहीं गिना पाएंगे जितना पूज्य महाराज जी ने कम समय में आपके जिले के लिए किया है। चूंकि हमारी विधानसभा है, इसी के साथ थोड़ा आरोपी बरौली का भी हिस्सा इसमें आता है, शहर के लिए ही आप देखे हावड़ बंधा जो था, कितनी दयनीय स्थिति थी बाढ़ के समय में,
29 करोड़ रुपए पूज्य महाराज जी ने उसको स्वीकृत किया। काम केंद्र प्रक्रिया पूरी हो गई, काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा। आप देखें नौमी बंदा, इसकी लंबाई 31 किलोमीटर है, उसका पूज्य महाराज जी ने 62,17,00,000 रुपए दिया है। उसका शिलान्यास पूज्य महाराज जी चंद दिनों पहले किए थे। महानगर में साथियों 22 वार्ड में ले आते हैं, लेकिन जीडीए और नगर निगम मिला के 45 काम पूज्य महाराज जी ने हमारे क्षेत्र में शिलान्यास किया है। सारे कार्य शुरू भी हो गए हैं। हर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जानता है कि हमारे प्रत्याशी उपेंद्र सुख हर कार्यकर्ताओं के घावों पर मरहम लगाने का काम करते हैं। किसी से कोई पीड़ित हो जाता है, लेकिन हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष रहते हुए, जिलाध्यक्ष रहते हुए, आपने जितने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया है, मान बढ़ाया है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। उन्हीं को पूज्य महाराज जी ने आपके बीच में प्रत्याशी बना के भेजा है। साथियों आपसे अनुरोध है, पूरे बढ़ चढ़ के हर घरों में जाकर के सबसे अनुरोध करके एक एक को बूथ तक पहुंचाने का कार्य करिएगा, और भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह के सामने वाली बटन दबा करके भारी मतों से आप अपने प्रत्याशी को विजयी बनाएं। तीन सब शब्दों के साथ आपके धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य महाराज जी। और इस सभा को संबोधित करें श्री उपेंद्र शुक्ल। हमारे नेता उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री राज जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज ने मुझे अपना आशीर्वाद देकर के अपने प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच मुझे भेजा है। और आज आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो, स्वयं आपको आशीर्वाद दे करके मेरे लिए सहयोग की अपील करने के लिए वो आपके बीच आए हैं। मैं आप सबके तरफ से, अपने तरफ से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। मैं विनती और प्रार्थना के भाव में कि ये लड़ाई उपेंद्र शुक्ला की नहीं, ये लड़ाई गोरखपुर के गौरव, संपूर्ण हिंदू समाज के गौरव, पूज्य योगी आदित्यनाथ के सम्मान की लड़ाई है। इसलिए आपसे मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि अपने नेता, अपने गौरव के सम्मान की रक्षा में आपको स्वयं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का सिपाही बनकर, अपने आप को उपेंद्र शुक्ला बना करके, चाहे दलित बस्ती हो, चाहे अति पिछड़े और पिछड़ों की बस्ती हो, चाहे सामान्य वर्ग की बस्ती हो, सबके दरवाजे की चौखट पर मत्था टेक करके 11 तारीख को कमल की बटन दबा करके मुझे आशीर्वाद दिलवाना है। पूज्य योगी जी का गौरव और सम्मान आज पूरे देश में नहीं, नहीं दुनिया में है। अभी त्रिपुरा के चुनाव की जीत का पूरा श्रेय आपके हिस्से में है, गुजरात के चुनाव की जीत आपके हिस्से में है, कर्नाटक का चुनाव भी बिना आपके योगदान के पूरा नहीं हो सकता। इसलिए पूरे देश में पूज्य योगी जी का डंका बढ़े, गोरखपुर का सम्मान बढ़े, गौरव बढ़े, यही विनती और प्रार्थना करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। और हम सभी को संबोधित करें आदरणीय सीताराम जी। भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे उपेंद्र जी आज इस मंच पर हैं, हम तालियों के गड़गड़ाहट से इनका समर्थन करें, इनके महाराज जी को सम्मान करें, और उन्होंने इन्हें चुनाव लड़ने के लिए आदेशित किया है, भारी मतों से विजयी बनाए।
हमारे मंच पर उपस्थित है। अभी बड़ी लंबी महाराज जी के कार्यों का पूरा एक एक कार्यों का विश्लेषण हमारे डुमरियागंज के लोकप्रिय सांसद जगदम्बिका पाल जी ने किया है। मैं इन्हें भी इस मंच पर बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। जिससे नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है उसका पूरा विश्लेषण हमारे सांसद जी ने किया है। माफियाओं का राज कभी गोरखपुर में हुआ था, लोग यहाँ आने को डरते थे, उद्योग लगाने की बात ही दूर थी। उन्होंने पूरा विश्लेषण किया है, एक एक चीजों को बताया है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, गोरखपुर के लोकप्रिय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, डुमरियागंज से हमारे बहुत कर्मठ और लोकप्रिय सांसद माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष श्री पुष्पनंद जैन जी, सत्येंद्र सिन्हा जी, चुनाव के सह संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, ऋषि मोहन वर्मा जी, देवेश श्रीवास्तव जी, शशिकांत सिंह जी, विश्वजितांशु सिंह आसु जी, रूपेश गुप्ता जी, सूर्य प्रकाश शर्मा जी और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के सभी नागरिक बंधुओं, भाइयों बहनों, गोरखपुर में उपचुनाव या आप सब इससे पहले से ही विदित है। गोरखपुर में मैं आप लोगों से केवल वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं, मैं जानता हूं मैं नहीं भी आऊंगा तब भी आप लोग वोट देंगे, क्योंकि यही विश्वास गोरखपुर के बीच गोरखपुर मेरे बीच में है और उसी विश्वास के प्रति केवल आपसे मुलाकात करने और कार्यक्रमों के बहाने आपके बीच में आने का एक अवसर प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं आप सबके बीच में आया हूं कि उपचुनाव में हम लोगों ने, चूंकि मुझे पार्टी ने उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया है, पिछले 5 बार से लगातार आप लोग मुझे चुनाव जिताते रहे हैं। लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के कारण किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाना था, इसलिए मैंने अपने प्रतिनिधि के रूप में श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल को आपके बीच में भेजा है। श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल विकास की योजनाओं को जो गोरखपुर के लिए हम लोगों ने तैयार की हैं, जिसके बारे में श्री जगदम्बिका पाल जी ने, श्री विपिन सिंह जी ने और आपके लोकप्रिय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी यहाँ पर जो कह रहे थे, उन सभी योजनाओं को वास्तव में जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए एक योग्य और कर्मठ सांसद की आवश्यकता है और उसके लिए हम लोगों ने प्रत्याशी के रूप में उपेंद्र दत्त शुक्ल को आपके बीच में भेजा है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं भारत की राजनीति में 26 मई 2014 का दिन ऐतिहासिक दिन है, जब इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया था। शपथ ग्रहण करते समय उन्होंने कुछ बातें कही थी और बातें कही थी कि हमारी सरकार इस देश के गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करेगी। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारी सरकार किसी वर्ग के लिए, किसी जाति के लिए, किसी मत के लिए, किसी मजहब के लिए कार्य करेगी। यानी विकास समग्र रूप से होना चाहिए और विकास की योजना का लाभ आम नागरिक को प्राप्त हो। जो कार्यक्रम 26 मई 2014 से प्रारंभ हुआ, आज उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर दायित्व मुझे दिया गया है और उसी दायित्व को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने जब कार्य प्रारंभ किया है, आप अनुमान करिए
कि हम लोगों ने नारा केवल उस प्रकार के खोखले नारे नहीं दिए जिन नारों के आधार पर अब तक की राजनीतिक दल प्रदेश की जनता को छलने का कार्य करते थे। हम लोगों ने वास्तविकता को जमीनी धरातल तक उतारने का कार्य किया है और उसी का परिणाम है कि विकास और सुशासन के जिस मुद्दे पर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को केंद्र और प्रदेश दोनों स्थानों पर शासन करने के लिए बहुमत दिया उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं और उसके परिणाम आप सबके सामने दिखाई दे रहे हैं। गोरखपुर में या प्रदेश के अंदर कहीं भी पहले बिजली अपने आप एक चैलेंज हुआ करती थी। गोरखपुर के लोग ये मानते होंगे कि और बिजली उन्हें मिल रही, ऐसा नहीं है। हम लोगों ने सत्ता में आने के पहले प्रदेश के अंदर विद्युत की दुर्व्यवस्था को देखा है, झेला है, नजदीक से महसूस किया है। गोरखपुर की सड़कों पर विद्युत की दुर्व्यवस्था के खिलाफ मई और जून के महीनों में सड़कों पर उतर पर आंदोलन करते हुए कार्यकर्ताओं के साथ सड़कों पर आंदोलन हम लोगों ने झेला है, किया है और उस पीड़ा को हम जानते थे। और इसीलिए हम लोगों ने आने के बाद एक बात कही कि गोरखपुर की नहीं बल्कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित हो और समान रूप से हो, इसके लिए गोहर जनपद मुख्यालय को 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति, तहसील मुख्यालयों को 20 घंटे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित हो। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज हम प्रदेश के अंदर सभी 75 के 75 जनपदों में विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने में सफल हुए हैं। वो आपके सामने आपके लिए एक उपलब्धि है। प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था एक चैलेंज था। जिस प्रदेश में हर सप्ताह दो दंगे होते थे, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न नहीं हो पाते थे, अराजकता फैलती थी, गुंडागर्दी चरम पर थी, सपा हो या बसपा इन दोनों दलों के गुंडे थाने और तहसीलों पर कब्जा करके आम जन का जीना बेहाल कर दिए थे। उस प्रदेश में आज 11 महीनों के दौरान एक भी दंगा न होना और प्रदेश के अंदर कानून का राज आज इस देश के प्रदेश के अंदर देश और दुनिया के उद्योगपतियों के द्वारा निवेश के लिए आकर्षित होना इस बात का प्रमाण है। और इसीलिए हम सब आपके पास कहना चाहते हैं, जब विकास की बात होती थी वर्षों से गोरखपुर के वासियों की भी तमन्ना थी कि हमारा भी विकास हो, हमारे यहाँ की सड़कें चौड़ी हो, हमें भी बिजली मिले, हमारे यहाँ भी उद्योग धंधे लगे, हमारे यहाँ भी अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे तकनीकी संस्थान बने, अच्छे कॉलेजेस बने। उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। फर्टिलाइजर का शिलान्यास और एम्स का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर पहले हम लोग करवा चुके हैं। पिपराइच में एक नई चीनी मिल लगने जा रही है। बिहारी मेडिकल कॉलेज में 8 नई सुपर स्पेशलिटी के कार्य को हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है। गोरखपुर के अंदर मेट्रो के को डीपीआर के उसकी डीपीआर फिर से बनाने की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। गोरखपुर की सड़कों में का चौड़ीकरण हो, ये नंगे तार हटे और अंडरग्राउंड केबल बिछे, इसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। गोरखपुर में जल जमाव की समस्या का समाधान हो और हर घर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित हो, इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की कार्रवाई जब प्रारंभ हुई है। सरकार धन दे सकती है लेकिन वह धन सदुपयोग हो सके उसके लिए आवश्यक है कि अच्छे जनप्रतिनिधियों को चुना जाना चाहिए। अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, सक्रिय और कर्मठ जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, सरकार से पैसा भी लेने लाकर के लेकर के आएंगे और विकास की योजनाओं को मूर्त रूप देने में भी उन्हें सफलता प्राप्त होगी। और इससे आवश्यक है आज पूर्वोत्तर का भारत कैसे भारतीय जनता पार्टी के विकास और सुशासन किस मुद्दों के हाथे हाथ ले रही है। नागालैंड 95% वहां पर क्रिश्चियन आबादी है, परमिट सिस्टम है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी विकास और सुशासन के मुद्दे पर आज सरकार बना रही है। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2/3 से अधिक मतों के साथ परसों शपथ ग्रहण करने जा रही है। मेघालय में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सरकार बनाने जा रही है।
भाइयों बहनों, जब पूर्वोत्तर के भारत में भारतीय जनता पार्टी और उनकी सहयोगी दल सरकार बना सकते हैं, कोई कारण नहीं कि जो परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है विकास और सुशासन के इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए, आज जब हम सब आपके बीच आए हैं तो मुझे आप सबसे ये अपील करनी है, उपेंद्र दत्त शुक्ल आपसे अपरिचित नहीं है। 1994 से हमारे साथ कार्य करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में जो भी दायित्व मिला या नहीं मिला, जहां भी पार्टी ने लगा दिया वहां लग करके भिड़ करके पार्टी के मूल्य और नीति सिद्धांतों को आगे बढ़ाने, उन आदर्शों पर चलने का उन्होंने कार्य किया। और पिछले 3 बार से क्षेत्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए जिस प्रकार की अपनी एक छवि प्रस्तुत की, हम लोगों ने जब मैंने सीट खाली की मुझसे पूछा गया कौन चुनाव लड़ेगा, मैंने कहा शिवपेंद्र दत्त शुक्ल को हम लोग प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं और आज उन्हें मैं आपके बीच में यहां लेकर के आया हूं। आप सबसे अपील है, मैं जानता हूं इतनी जल्दी कोई भी प्रत्याशी घर घर नहीं जा सकता, आप सबसे अपील है आप ऐसे हर व्यक्ति उपेंद्र दत्त शुक्ल बनकर के घर घर जाकर के मतदान करें। नगरीय क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत जितना अधिक होगा भारतीय जनता पार्टी उतने अधिक भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाएगी। आज आपने देखा होगा सांप और चुचंदर की तरह किस प्रकार से सपा और बसपा एक साथ मिलकर के प्रदेश के विकास में फिर से रोड़ा अटकाना चाहते हैं। ये भ्रष्ट गठबंधन, ये नापाक गठबंधन, प्रदेश को अराजकता की भट्टी में झोंकने वाला एक गठबंधन, प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने वाला एक गठबंधन, प्रदेश में नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाला एक गठबंधन, प्रदेश के किसानों और प्रदेश के व्यापारियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला एक गठबंधन, इसको एक सिरे से खारिज किए जाने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज हम सब आपके पास आए हैं, समझने की आवश्यकता है। जो लोग कल तक श्री राम को गाली देते थे, जिन लोगों ने कल तक आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर के जो समाजवादी पार्टी कहती थी कि लखनऊ में अम्बेडकर स्मारक को हम सत्ता में आने के बाद ध्वस्त कर देंगे, और जो समाजवादी पार्टी स्टेट गेस्ट हाउस कांड के माध्यम से सुश्री मायावती जी की ही उस समय हत्या करना चाहती थी, उस समाजवादी पार्टी के साथ बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो सौदेबाजी का एक गठबंधन किया है, ये सौदेबाजी का एक गठबंधन प्रदेश की जनता को समझना होगा। और इसलिए आप सबसे अपील करने के लिए हम लोग आए हैं। 2014 और 2017 में प्रदेश की जनता ने वंशवाद, परिवारवाद और जातिवाद की राजनीति को खारिज किया है, और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए उपेंद्र दत्त शुक्ल को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी आपके बीच में दिया है। आप सबसे अपील है, हर कार्यकर्ता, हर गोरखपुर का हर नागरिक उपेंद्र दत्त शुक्ल बन करके हर एक नागरिक के पास अपील करते हुए, परिचित हो अपरिचित हो, सबसे कह करके एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाए, कमल के निशान पर जाए, यही अपील 11 मार्च के लिए आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। ज्ञापन के लिए क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय जैन साहब से साधन निवेदन। आज श्री रामलीला समिति यहाँ पर हर वर्ष रामलीला कराती है, इसी रामलीला के ग्राउंड में आज हमारे परम पूज्य महंत दिग्विजय योगी आदित्यनाथ जी महाराज हमारे बीच आज पधारे हैं, और रामलीला के जो है शुभ अवसर पर हम लोग उनका स्वागत करते हैं। आज इस मंच पर हम पुनः स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और सभी अपने परम पूज्य प्रत्याशी के लिए भी बहुत आभार व्यक्त करते हैं, यहाँ पर आई हुई जनता के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और सबको धन्यवाद देते हैं। 11 मार्च को गोरखपुर लोकसभा के उपचुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए स्वीप के तत्वावधान में नौकायन कार्यक्रम का आयोजन रामगढ़ताल स्थित नौकायन केंद्र पर किया गया, जिसमें एनडीआरएफ,
पीएससी सहित सामान्य 50 नावें लगाई गई, जिसमें विभिन्न वर्ग के लोगों ने सवार होकर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला, एडीजी दावा शेरपा, मंडलायुक्त अनिल कुमार, आईजी नीलाब्जा चौधरी, एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज सहित चुनाव प्रेक्षक भी नाव पर सवार हुए और लोगों के साथ मतदाताओं को जागरूक किया। इसके अलावा किन्नर समाज के लोगों ने भी जागरूकता अभियान में शामिल होने पहुंचे और लोगों से मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर चुनाव प्रेक्षक डॉक्टर माधवी खोड़े चावरे, मंडलायुक्त अनिल कुमार ने लोगों को मतदान के लिए अपील की। जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव रौतेला ने मतदान करने के लिए लोगों को शपथ भी दिलाया। उन्होंने शपथ दिलाया कि लोकतंत्र मर्यादा की सुरक्षा के लिए बिना किसी प्रलोभन में मतदान करें। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी करेंगे और जाति, वर्ग, भाषा, संप्रदाय से ऊपर उठकर देश के लोकतांत्रिक विकास में अपनी अक्षुण भूमिका निभाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सीप प्रभारी बलराम सिंह, एआरओ राहुल पांडे, गजेंद्र दिनेश, एसडीएम सहजनवा पंकज कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट विवेक कुमार श्रीवास्तव सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। विकास करेंगे, उन्हीं को हम वोट देंगे। अच्छा करना चाहिए ना, अच्छे वाला के अच्छे होता है, खराब वाला के खराबी होता है। वोट करना चाहिए और क्या, हम लोग का यही ज्यादा जरूरी है। अरे तो युवा कल्याण बढ़िया कवरेज हो जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना के लड़के हमारे बीच में है, प्रोफेसर कहाँ पे आएगा? बात नहीं है, हम लोग उन भगवान ने साफ यहाँ पे पहली बार किसी एक उद्देश्य को लेकर 50 विभिन्न विभागों क्या की भावना से, कोई स्पोर्टी की भावना से, हर रंगों के परिधान में, रंग बिरंगे परिधान में, टोली के राम गुलाम राय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के छात्र भी उत्साह किसी तरह का सहयोग प्रदान करते रहेंगे। एनसीसी की छात्र जो पकीनियर ऑफिसर के दो ग्रुप हैं, श्री विधान जसपाल एडीएम साहब के नेतृत्व तिवारी जी हैं और कैमरा मीडिया ग्रुप।
कौन सी टीम है आपकी? ट्रेनिंग के बाद अपना स्थान जगह तो अच्छी है पर लेकिन वो ये कि अभी तक मैनेज नहीं हो रहा था कैसे करोगे इंतजार की घड़ी आपकी समाप्त हो रही है और हमारे बीच एडीजी साहब जिलाधिकारी महोदय प्रकाश
इतना फेल है लोग ले जाकर वहाँ खड़ा करा दिए थे डीएम साहब ने। एक सेल्फी देखते पॉइंट बनता है शायद जो अपना काम पूरे एनर्जी है अपनी एनर्जी का उपयोग करते हुए जिससे हम ज्ञान आपको कामयाब हो सके तो सभी लोगों को एक अनुरोध के साथ का प्रारंभ हो गया है। नहीं होनी है थोड़ा थोड़ा सभी लोग बजाते पूरा एकदम गुज जाता है। पूरा परिवार एक आप लोग अपने अपने नंबर एक कमिश्नर साहब की टीम नंबर एक पे पहुंच चुकी है। सबसे पहले सबसे बाद में जाने वाली टीम सबसे पहले जट्टी पे पहुंच रही है। तालियों से इनका स्वागत करिए आप लोग। एक टीम हमारे बीच आ चुकी है जिसमें सवार है हमारे मंडल के कमिश्नर साहब जिलाधिकारी महोदय परीक्षक महोदय आप सभी लोगों का टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तालियां बजाइए आप लोग तालियों से स्वागत करिए अपने उद्देश्यों में कामयाब होते हुए हमारे कमिश्नर साहब जिलाधिकारी महोदय हमारे परीक्षक साहब एडीजी साहब सबका हार्दिक स्वागत एवं अनुरोध है कृपया मन भी आके अपना स्थान ग्रहण करें। निश्चित ही हमारे एसपी साहब भी उनके सामने है सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये हमारी प्रशासन की टीम नंबर एक पे प्रणाम उनका इनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी लोग से अनुरोध है कृपया मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें इसके बाद शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। तीसरी टीम हमारी जो एनडीएफ की टीम है वो भी तीसरे नंबर पे है इनका भी हम स्वागत करते हैं। धीरे धीरे टीमें वापस आ रही हैं। आप सभी लोग सभी बच्चों से अनुरोध है कृपया मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें इसके बाद सारी टीम यहाँ पे आएगी। नाथ जी का भी हार्दिक स्वागत है। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला अधिकारी श्री राजीव रौतेला जी का भी हार्दिक जरूर आई वो जरूर आई अपने कौवा पे और सर के लईहा अपन परिचय पत्र जनी तू भूलईहा। जब तक आपके पास परिचय पत्र नहीं होगा तब तक मतदान आपका नहीं होगा इसलिए आप वैसे परिचय पत्र लेकर ही मतदान केंद्र पर जाए। अपने आईहा संग घर भर के लईहा अपन परिचय पत्र जनी तू भूलईहा बिना पहचान के न होई मतदान पर बिना पहचान के न होई मतदान दियान धरिहा हो दियान धरिहा अब की ओट डाले कौवा में जरूर आईहा अब की ओट डाले कौवा में जरूर आईहा। माधवी जी जो नागपुर से पधारी हैं आज प्रेक्षक की भूमिका में हम लोग के बीच में चाहूंगी कि सर
नौकायान ये जो पहला हमने देखा है कि स्वीप कार्यक्रम में ये पहली बार ही हुआ है कहीं, और हमने भी आज आरओ करके काम किया है। तो लेक का जो फायदा है वो जन जागृति के लिए कैसा करा जाए, दैट्स अ वेरी इनोवेटिव आइडिया बाय डीएम सर हियर। और एक बात की और खुशी होती है कि एज पर पॉपुलेशन सेंसस महिलाएं भी ऑलमोस्ट 50% है भारत की पॉपुलेशन में, और यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स मुझे 50% भी दिख रहा है। तो यही पार्टिसिपेशन महिलाओं का वोटिंग के दिन भी होना चाहिए। तो हमने गांव में देखा कि गांव में, अभी ये तो शहर है पर गांव में जब हम घूमे तो महिलाएं इतनी जागरूक नहीं थी। तो ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि अपने घर में जो भी सभी लोग हैं सभी को करना चाहिए, पर सभी महिला उतनी जागरूक होकर पार्टिसिपेशन करना चाहिए। और चूंकि मैं डॉक्टर हूं तो और एक चीज कहना चाहूंगी कि हमको नेचर ने तो मनुष्य बनाया है, और बायोलॉजिकली वी आर इनटू 4 कैटेगरीज ए बी और ओ, और उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव है। बाकी जात धर्म तो मानव ने खुद बनाए हैं। तो जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो सब सिर्फ हम ब्लड ग्रुप देखते हैं, तो लोकशाही जो है भारत का गणतंत्र जो है वो संविधान इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड, और संविधान जो है वो मानवीयता के ऊपर निर्भर है। तो इसी संविधान ने हम सभी को इक्वल वोटिंग का राइट दिया है। तो इस अधिकार का हमने निश्चित तौर पे किसी से बिना डरे कोई भी जाति धर्म लिंग वर्ण इस कोई भी भेद को नहीं मानते हुए जो सही है उसे आप वोट दें। और जिला प्रशासन की पूरी टीम को और आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि इतना बढ़िया आप लोगों ने यहां पर आयोजित किया। अभी माधवी जी बता रही थी कि स्वीप कार्यक्रम में नौकायन का उपयोग करना ये बहुत कम होता है, शायद ये पहली बार हुआ है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जब हम लोग नौकायन कर भी रहे थे और हम लोग रामगढ़ ताल पे थे तो जितने जोश के साथ आप लोग बच्चे खासतौर पे और खासतौर पे एनसीसी के बच्चे जो नारे लगा रहे थे स्लोगन कह रहे थे तो उनको भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए गोरखपुर की शान जो है वो रामगढ़ ताल है। गोरखपुर को अगर कोई भी पुराना व्यक्ति अगर गोरखपुर के बारे में उनको ध्यान आता है जहन में बात आती है तो रामगढ़ ताल जरूर आता है। और रामगढ़ ताल का इतना सुंदर उपयोग स्वीप एक्टिविटी के लिए करना ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। और हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से इतना सुंदर आयोजन यहाँ पर हुआ है उतना ही सुंदर आयोजन 11 तारीख को भी हो। और आप लोग सभी और आप लोग के माध्यम से हम चाहेंगे कि ये बात हम लोग गाँव गाँव तक गली गली तक मोहल्ले मोहल्ले तक पहुँचाएँ। जो बच्चे ऐसे हैं जो 18 साल के नहीं हुए हैं वो अपने पेरेंट्स को बताएं, और आप लोग सभी अपने स्कूलों को भी ये बात बताएं कि 11 तारीख को आप सभी को बहुत बड़ी संख्या में वोट डालने आना है। पिछले साल जब यहाँ पे विधानसभा इलेक्शन हुआ था और अभी हाल में जो नगर निगम इलेक्शन हुआ था तो यहाँ पे जो वोट परसेंटेज था उतना मैं कहूँगा उतना उल्लेखनीय नहीं था कि हम लोग इसको हमें इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। और शहर के अंदर तो मेनली मैं कहूँगा कि इस तरीके के कार्यक्रम जिससे जन जागरूकता अभियान कहेंगे हम लोग, जिससे हम लोग जागरूकता घर घर तक पहुँचा रहे हैं उसी से हम लोग वोट परसेंटेज इम्प्रूव करने की बात करेंगे। पुनः मैं डीएम साहब को और उनकी पूरी टीम को और खास तौर पे जो यहाँ पे बच्चे उपस्थित हैं उनके टीचर्स उनके स्कूल के प्रबंधक आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ। संख्या में हो लेकिन जो नावों में गए थे डिफरेंट ग्रुप्स बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आए, और इस कार्यक्रम को इस तरह से कराने का एक मकसद था एक उद्देश्य था। ये जो चुनाव है ये उपनिर्वाचन है, ये बाई इलेक्शन है, और बाई इलेक्शन जब होता है तो ये एक आइलैंड की तरह होता है, एक द्वीप की तरह। आसपास कहीं इलेक्शन नहीं हो रहा, इलेक्शन का कोई माहौल भी नहीं है आसपास। तो ऐसे समय में हम लोग ये सुनिश्चित करें कि मतदान के दिन जो हमारे 19.5 लाख मतदाता हैं इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिसे 64 गोरखपुर कहते हैं, ये सभी के सभी बढ़ चढ़ कर मतदान में भाग लें ये निर्वाचन आयोग भी चाहते हैं, और निर्वाचन की पूरी मशीनरी वो ये चाहती है
कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन पोलिंग के दिन में हो। तो हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज यहाँ पर कर रहे हैं और मन में ये विचार आया था कि रामगढ़ ताल जो इतनी बेहतरीन और इतनी विलक्षण वाटर बॉडी है और ऐसी वाटर बॉडी उत्तर प्रदेश में क्या नॉर्थ इंडिया में बहुत कमी है, तो इसका हम लोग कैसे सदुपयोग करें इसका विचार बना और हम लोगों ने इसमें बोट्स का इंतजाम किया और ये कोशिश किया कि हर बोट में एक अलग ग्रुप बैठे। जैसे अभी हमारे प्रोग्राम के एंकर बता रहे थे कि हम लोगों के यहाँ पेंशनर्स जिनकी आयु 70-75 साल से ऊपर है वो लोग भी आए, और जो माइनॉरिटी की महिलाएं हैं वो भी आई, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट कॉलेजेस से आए, हमारी आंगनवाड़ियाँ आई, आशाएं आई, ANMs आई, हमारे डिफरेंट आप ये समझिए कि हमारे सफाई कर्मी जो पंचायती राज विभाग के वो भी आए, हमारे ग्राम विकास विभाग से भी लोग आए, हमने तमाम लोगों को इकट्ठा किया और ये सब वोटर्स हैं और ये कोशिश किया कि एक मैसेज पूरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जाए कि समाज के सभी व्यक्ति जो वोटर हैं वो इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं कि हमको जो 11 मार्च को जो पोलिंग है हमारा उसमें सभी वोटर्स को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के गौतम गुप्ता कोर्ट्स हैं, जो आज जितना भी कार्यक्रम हुआ आपको जानकारी होनी चाहिए कि पिछले 10 दिन से इसकी तैयारी हो रही थी, अच्छे से हो गया, आप सबका प्रतिभाग हुआ और एक सफल कार्यक्रम हुआ, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सभी और विशेष रूप से यहाँ पर जो मुझे गर्ल्स दिखाई पड़ रही है छोटे बॉयज है, आप सभी यहाँ पर आए, जो और पार्टिसिपेंट्स थे क्योंकि नावे वहां पर रुक गई दूसरी वो वहां पर रुक गए हैं, आप सभी यहाँ पर आए, प्रतिभाग किया, बहुत बहुत आभार। लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे, वचन की गरिमा को अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। गोरखपुर विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा भारत का भौगोलिक व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का सोमवार को विश्वविद्यालय के संवाद भवन में समापन हो गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीनिवास सिंह, विशिष्ट अतिथि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर वी के सिंह, गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व अधिवक्ता कला संकाय प्रोफेसर जगदीश सिंह, मानव संसाधन विभाग की अध्यक्ष प्रोफेसर नूतन त्यागी, प्रोफेसर एस के दीक्षित, प्रोफेसर वी के सिंह सहित कई शिक्षक एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समापन समारोह की शुरुआत अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित करके किया गया, जिसके पश्चात छात्राओं ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति की। गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने भारत का भौगोलिक व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। Yeah,
वाले तो सुपरिचित हैं, रक्षा विज्ञान वाले सुपरिचित हैं, लेकिन भारत का जो उभरता व्यक्तित्व है, भारत की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है, अब दुनिया की निगाहें इसकी ओर लगी हैं कि भारत कितनी शीघ्रता से विश्व का तीसरा बड़ा अर्थतंत्र बन जाता है। कुछ भौगोलिक विडंबना ही कहिए कि जब हम लोग विद्यार्थी थे तब हमारे शिक्षक पढ़ाया करते थे कि भारत पूर्णतया सुरक्षित है, इसके एक ओर हिंद महासागर है तो दूसरी ओर अलंघ्य हिमालय है, लेकिन हम दोनों की अलंघ्य को कौन कहे, प्रवेश द्वार बनते जा रहे हैं उन ताकतों की जिनकी भ्रुकुटी तनी हुई है, जो भारत के विकास से कुछ आतंकित है, एक तरफ चीन और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर्स, दोनों में साथ बांट, दोनों में गठजोड़, दूसरी ओर अन्य छोटे देश जो पता नहीं भारत से कभी आतंकित दिखते हैं, क्यों आतंकित दिखते हैं ये हो जाने, क्योंकि भारत ने कभी भी किसी पड़ोसी देश के प्रति शत्रुता का रुख नहीं अपनाया, भारत ने कभी अपनी ओर से किसी देश पर आक्रमण नहीं किया और न भारत की कभी मंशा रही कि वो किसी देश की जमीन हड़पे, परंतु ये ऐतिहासिक विडंबना है क्योंकि स्थिति बड़ी वोलेटाइल हो गई है, इस सिचुएशन में चीन जो बड़ा उभरता सशक्त राष्ट्र है उसकी भिड़ती तली रहती है, फिर भी वो सीधे भारत से लोहा नहीं लेना चाहता। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द वापस आते हैं। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद। ऐश प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सोमवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में पीठासीन अधिकारी और मतदान कर्मियों को प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया, जिसमें मतदान कर्मियों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट पर जानकारी दी गई, जिससे मतदान को सकुशल संपन्न कराया जा सके। अच्छा मोरे जन
साइड है कि यहीं पर लगा दो।
वाले ईवीएम पर क्लीयरेंस स्टिकर्स लगाए जाते हैं और इन दोनों श्रेणियों की एक एसी वाइज लिस्ट तैयार करके राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी जाती है और ट्रेनिंग और अवेयरनेस वाली ईवीएम संबंधित अधिकारियों के हवाले कर दी जाती है। चुनाव वाली ईवीएम आरओ को दी जाती है, वो इन्हें एक ऐसे सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग रूम में रखता है जिसकी 2400 घंटे निगरानी होती है और वो राजनीतिक दलों को स्ट्रॉन्ग रूम के ताले पर उनकी खुद की सील लगाने की इजाजत भी देता है। मतदान से पहले की तैयारी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या ईवीएम को मतदान के लिए चुनाव करने वाले उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद तैयार किया जाता है। आयोग ने ईवीएम में नोटा यानी इनमें से कोई भी विकल्प को भी शामिल किया है। इस उद्देश्य के लिए आखिरी उम्मीदवार के सीरियल नंबर, नाम और चुनाव चिन्ह के बाद मतपत्र पर इसका सीरियल नंबर, नाम दिया गया और नोटा के चिन्ह को छापा जाता है। ईवीएम को तैयार करने का काम एक बार फिर बड़े से हॉल में उम्मीदवारों या उनके एजेंटों और आयोग के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में पहले वाली ही सुरक्षा प्रक्रिया अपनाते हुए किया जाएगा। ईवीएम की जांच स्तर पर भी अधिकृत इंजीनियर करेंगे। यदि कोई ईवीएम खराब मिलती है तो उसे हटा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल ये खबर नहीं, ये सूचना है। उपनिदेशक बचत और अपर प्रभारी कार्मिक बीएन मिश्रा ने बताया है कि प्रथम चरण के प्रशिक्षण में पीठासीन अधिकारियों को हस्त पुस्तिका दी गई थी। ऐसा संभव है कि द्वितीय प्रशिक्षण में उनकी ड्यूटी ना लगी हो, इसलिए वो अपनी अपनी हस्त पुस्तिकाएँ निर्वाचन कार्यालय में कमरा नंबर 27 में जमा करा दें। पूर्वोत्तर रेलवे के प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक आलोक सिंह के निर्देशन में टिकट बिक्री और आय में बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर पूर्वोत्तर रेलवे पर लगातार टिकट जांच अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सोमवार को गोरखपुर बुढ़वल रेलखंड पर औचक टिकट और जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के दौरान 146 बिना टिकट वाले यात्रियों से किराए के रूप में जुर्माना 75,745 रुपया रेल राजस्व की वसूली की गई। सोमवार को सेंट एंड्रयूज डिग्री कॉलेज के क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे गोरखपुर क्रिकेट लीग का एक मैच आतिफ क्रिकेट एकेडमी और कबीर 11 खलीलाबाद के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आतिफ एकेडमी 31 ओवरों में 177 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें निखिल राव ने 64 रनों का योगदान दिया। 177 रनों का पीछा करने उतरी कबीर 11 ने 27 ओवरों में ही 3 विकेटों के नुकसान पर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। कबीर 11 के अभिषेक मौर्या ने 46 रन और सूरज ने नाबाद 52 रनों की तबातोड़ पारी खेली और अपनी टीम को 7 विकेटों से विजय दिलाई। खेलते रहना भाई, अब से इस चैनल Thank you.
चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र शुक्ला के समर्थन में सोमवार को की 6 जनसभाएं, विरोधियों पर साधा निशाना, कहा भाजपा की बहार पर बौखला गई है विपक्षी पार्टियां, सीएम ने दिया विकास पर जोर। स्वीप द्वारा आयोजित नौकायान कार्यक्रम में नाव पर सवार होकर जिलाधिकारी सहित आला अधिकारियों तथा विभिन्न संस्थानों ने मतदाताओं को किया जागरूक, अधिकाधिक मतदान के लिए डीएम ने दिलाई शपथ। गोरखपुर विश्वविद्यालय में भारत का भूगोल, व्यक्तित्व एवं राष्ट्रीय सुरक्षा विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। प्रोजेक्टरों के माध्यम से पीठासीन अधिकारियों को, मतदान कर्मियों को लोकसभा के उपचुनाव के लिए दिलाई गई जानकारी। द्वितीय चुनावी प्रशिक्षण से मुक्त पीठासीन अधिकारी हस्त पुस्तिका को निर्वाचन कार्यालय के कमरा नंबर 27 में करें जमा। रेलवे के टिकट जांच अभियान में बिना टिकट यात्रा करने वाले 146 यात्रियों से वसूला गया 75,000 रुपए से अधिक का जुर्माना। और जिला क्रिकेट लीग कबीर 11 की आतिफ पर 7 विकेटों से धमाकेदार जीत। इस बुलेटिन में बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत और देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइंस। नमस्कार।